आपके इंस्टीट्यूशन से मेरा बेटा आपके यहाँ छत्रशाल जी जी आपके यहाँ से उसने इस साल ही किया है। और सर आपने कैसे जाना काशी इंस्टीट्यूट के बारे में, कुछ बताइए कैसे आपको पता चला काशी इंस्टीट्यूट के बारे में? एक तो सर पूछिए तो डॉक्टर पीएन तिवारी साहब जी वहां पे थे और मेरा जो संबंध था बीएचयू आईटीसी था, तमाम मेरे फ्रेंड्स तमाम लोग थे तो मैं कहीं उनसे लिंक था जी। और दूसरी चीज थी कि मेरी डॉटर ने ग्रेजुएशन जब किया तो वो बाहर नोएडा में रही तो वहां पे उसने महसूस किया कि बच्चे किस तरीके से उनको किस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं बाहर रह करके। और अभी मैंने अपने प्रोफेशन में भी देखा कि मेरे बहुत से जो पेशेंट हैं जिनको मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ, मैं जिनका फैमिली फिजिशियन हूँ, उनके बच्चों को देखा कि अच्छे बच्चे जो जिन्होंने इंटरमीडिएट में बहुत अच्छा किया और उनकी अच्छी रैंकिंग भी रही, उन्होंने अच्छे कॉलेज को भी ऑप्ट किया, लेकिन वहां जाने के बाद जो माहौल था उसका प्रभाव उन पे ज्यादा पड़ा, उसको साइकेट्रिक प्रॉब्लम भी उससे एडिक्ट हो गए, तमाम तरह के कॉम्प्लिकेशंस मैंने देखा। हम लोग के कितना अच्छा होता यदि मेरा बेटा मेरे साथ रह करके और ये ग्रेजुएशन कर लेता। तो मैंने ये सोच करके हमारी डॉटर का भी ये वो भी उसका भी कंसेंट था और मैंने भी ये सोचा कि यदि यहाँ करता तो मैं जानता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद अभी बहुत कुछ करना है, चाहे आप बीएचयू किसी भी आईटी से आप निकलें चाहे एनआईटी से निकलें, आपको यदि आगे बढ़ना है तो आपको तमाम कॉम्पिटिशन फेस करने पड़ेंगे, यहाँ से भी फेस करने पड़ेंगे। तो एक बहुत बड़ी ताकत होती है कि यदि आपका कैरेक्टर आपकी ब्रिंगिंग यदि अच्छे माहौल में हुई है तो आप में वो क्षमता होती है कि आप आगे आने वाली सिचुएशन को अच्छे तरीके से फेस कर सकें। मुझे लगा कि मेरा बेटा यदि यहाँ रहेगा तो मैं शायद उसको ज़्यादा गाइड कर पाऊँगा और थैंक्स गॉड मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद भी उसमें वही प्योरिटी है, जैसे अभी भी उसको कहा जाए झूठ बोलने के लिए तो झूठ नहीं बोल पाएगा वो, कि उसने 95% करीब उसने कैट में भी स्कोर किया और भी किसी में तो उसने क्या बहुत अच्छे स्कोर किया उसने, आज बल्कि उसका जीडीपीआई में भी गुड़गांव में होगा वो। मैं जैसे पेरेंट्स मीटिंग हुई मुझे बहुत अच्छा लगा कि ग्रेजुएशन में भी पेरेंट्स मीटिंग हो, हमें समझने का मौका मिले कि हमारा बच्चा कैसा कर रहा है तो हमें थोड़ा गाइड करने में सहूलियत होती है। तो ये लेकर के मुझे मेरा अनुभव तो बहुत ही अच्छा रहा और मैं किसी भी गार्जियन से ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप खुद अपने आप को देखें कि आपके साथ के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे आईआईटी के स्टूडेंट्स एनआईटीज के स्टूडेंट्स पूरी तरह से फेल्योर हो गए। बिल्कुल, तो ये कोई पैमाना नहीं है कि आप आईआईटी से ही निकलेंगे तो बहुत सफल होंगे। पढ़ने में शुरू से बहुत अच्छा था और जब इंटरमीडिएट में वो अपीयर हुआ था तो सिर्फ उसके मैथ के मार्क्स कुछ पुअर हुए थे और बाकी उसके मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो वो मुझसे कह रहा था कि बल्कि हम एक साल क्यों ना तैयारी कर लें। हमने कहा कि बेटा टाइम वेस्ट नहीं करो, यदि तुमको तैयारी करना है तुम ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करो और तुम तब जितना समय लोगे मैं तुमको मौका दूंगा, तुमको यदि दूसरे शहर में जाके भी तैयारी करनी का अवसर मिलेगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसने फिर मेरी बात को माना, हालांकि मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कहते थे कि नहीं वो मेरे से सहमत नहीं थे, लेकिन अब उन्होंने अपने बच्चे के साथ बहुत से जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चों ने कई तरह की प्रॉब्लम भी क्रिएट कर ली है तो अब वो कहते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब ठीक थे, शायद हम सबसे चूक हो गए। जैसे एक मेरे बहुत क्लोज हैं जिनका बच्चा ये जो इसमें बहुत अच्छी रैंक है यूपीटी की उसमें वो लड़का सेलेक्ट हुआ था, लेकिन वहाँ जाकर के उस बच्चे को बहुत कॉम्प्लिकेशन
केसेस उसने डेवलप कर लिए। अल्टीमेटली अब वो पढ़ाई छोड़ करके साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट में है। तो वो बहुत ही अफसोस करते हैं कि ये डॉक्टर साहब ने कहा भी था और हमने एक बार सोचा भी, लेकिन हम पता नहीं क्यों निर्णय लेने में चूक गए और आज वो बहुत दुखी हैं क्योंकि उनका बच्चा पूरी तरह से डिपेंडेंट लाइफ और उसकी हो गई। पढ़ाई तो मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर के बाद उसकी पढ़ाई बंद हो गई और पूरी तरह से साइकियाट्रिक प्रॉब्लम में है, जो इम्पोर्टेंट है किसी भी बच्चे के लिए। देखा वो माहौल था तो मेरे लिए बड़ा सेटिस्फैक्ट्री था। और अब तो खैर अब मैं कह भी सकता हूँ, मेरे बेटे ने इंटरमीडिएट के बाद एक भी साल उसका बर्बाद नहीं हुआ। 94 बॉर्न है वो अक्टूबर में। और अब जो है माय गॉड ग्रेस, मुझे लगता है कि देखिए कौन सा कोई अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो फिर वो एमबीए भी कर लेगा। बिल्कुल, बहुत खुशी की बात है। इंस्टीट्यूशन का भी अच्छा सपोर्ट था, बिल्कुल आप सबका भी अच्छा सपोर्ट था, तभी उसने इतनी अच्छी तैयारी कर ली कि वो पढ़। इसके साथ साथ जो है फाइनल अभी सेमेस्टर दिया और उसके साथ ही साथ उसने जो किया तो मुझे लगता है ठीक किया। किसी पेरेंट्स को इस भ्रम का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमारा बच्चा पर्याप्त इंटेलिजेंट है कि नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने सबको ये क्षमता दी है। अंतर पड़ता है हम उसको कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। इसलिए कोई भी बच्चा कमजोर नहीं है, कहीं से भी कमजोर नहीं है। बिल्कुल सर।